रखना। दसवीं है आग की घटना, सबसे ज्यादा सुनोगे आग जंगलों में है ना, कहीं भी, चाहे वो जंगल हो, झाज हो, नदी हो, तूफान, मतलब आग की खोगे, ऊपर से आग गिरेगी, चाहे पृथ्वी से आग लगेगी, आग की अब घटनाएं सुनोगे इंडिया से लेकर भारत तक, पूरी दुनिया के लिए बहुत भयंकर और अजीबोगरीब आग होगी। इनखबरी आप सभी का स्वागत है। आगरा के जूता फैक्ट्रियों में लगी आग, अलग अलग क्षेत्रों में हुई घटनाएं, धुआं देख दहशत में आए लोग। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ए ब्लॉक में सोमवार की सुबह जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और दमकल पहुंच गई। दमकल कर्मी आग बुझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह का संक्रमित मिलने की बात, फिलहाल स्कूल को बंद कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी खलबली मच गई है। सीएमओ सुनील कुमार शर्मा का कहना है कि हमें इस मामले में एक लेटर प्राप्त हुआ है, लेकिन इन सभी पॉजिटिव छात्र और टीचर की जानकारी डिटेल में नहीं मिली है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी इसकी जांच की जा रही है और जल्द ही इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना की चौथी लहर की आहट दिखाई देने लगी है। जनपद के स्वास्थ्य विभाग की टीम के अंदर उस समय हलचल पैदा हो गई जब उन्हें सेक्टर 40 में स्थित खैतान स्कूल का लेटर प्राप्त हुआ। लेटर में लिखा था कि स्कूल में कक्षा 6, 9, 12 के कुल 13 छात्र और 3 अध्यापकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा ने कहा, पत्र आने के बाद हमने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक सभी संक्रमितों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। स्कूल द्वारा अब ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई थी तो हमें एक पत्र लिखकर जानकारी दी गई थी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां झुग्गियों में आग लगी है। 50 से ज्यादा गायों की जलकर के मौत हो गई है, क्योंकि आग की लपटें गौशाला तक भी पहुंच गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। सीएम योगी ने हादसे पर संज्ञान लिया है। डीएम और एसएसपी को राहत और बचाव के निर्देश दिए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कितनी भयानक आग लगी हुई है। गहरा काला धुआं पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कवायद जारी है। झुग्गियों में भीषण आग लगी है। 50 से ज्यादा गायों की जलकर के मौत हो चुकी है। प्रशासन का अमला मौके पर मौजूद, दमकल की गाड़ियां भी यहां पर पहुंची हुई हैं और आग बुझाने की कवायद की जा रही है। पूरा इलाका इस वक्त गहरे काले धुएं की चपेट में है। आग की लपटें दूर से नजर आ रही हैं। गाजियाबाद के कनामनी इलाके का ये वाकया है, जहां पर एक भीषण हादसा हुआ है। झुग्गियों में भीषण आग लगी है। 50 गायों के भी जलने की मौत, जलकर मौत की खबर आ रही है। आग झुग्गियों से होते हुए गोशाला तक फैल गई। इंदिरापुरम के कनावनी इलाके में ये भीषण आग लगी है। राहत और बचाव का काम जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया, साथ ही साथ डीएम और एसएसपी को राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का अमला यहां पर मौजूद, आग बुझाने की कवायद जारी है। अंतिम समाचार मिलने तक आग अभी तक काबू नहीं की जा सकी है। राजधानी दिल्ली में लपटों का तांडव देखने को मिला है। आजाद नगर मार्केट और आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल इलाके में आग में करोड़ों रुपए के नुकसान की खबर है। फिलहाल दोनों जगहों पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आजाद मार्केट इलाके में एक दुकान में लगी आग में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि आनंद पर्वत इलाके में किस तरह से भीषण आग लगी, और इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी मशक्कत के बाद ही काबू पाया जा सका है। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग के कई कर्मचारी